टेनिस क्रिकेट मुमरा में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ मौजूद है अजहर शेख और तौसीफ सैयद, जो कि मुमरा में एक चैंपियंस ट्रॉफी होता है लोकल प्लेयर्स के लिए, उसके ऑर्गेनाइजर्स है। सो आप दोनों का वार्म वेलकम है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले तो हम अजहर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आइडिया है लोकल प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का, उन्हें लैमलाइट में लाने का, ये आइडिया आपको किस तरीके से आया है? एक्चुअली जब मैं भी स्टार्ट किया था ये गेम क्रिकेट, तो मैं भी मतलब इतना अच्छा नहीं खेलता था जी। तो जब भी मैं भी टूर्नामेंट के मुझे बुलाते थे खेलने के लिए, तो मुझे फील्डिंग कराते थे या तो कभी बाहर बिठा देते थे जी, तो मैं खेल नहीं पाता था। तो मेरी एक टीम थी RRCC, तो हम हर संडे खेलते थे, तो हम आपस में खेलते थे, दो दो चार टीम मिलके हम मैच खेला करते थे हर संडे अभी संडे। तो वही आपस में तौसीफ भाई है हमारे, और एक टीम है अलीम भाई, आफिस, बहुत सारी टीम है। तो हमने एक आपस में डिसाइड किया कि चलो हम आपस में टूर्नामेंट करेंगे और हम आपस में खेलेंगे, तो वहीं से स्टार्ट हुआ ये। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे तौसीफ कि ये जो यंगस्टर्स के लिए, जो लोकल प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और इसके लिए मतलब अच्छा है क्या, यंगस्टर के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है उनको एक अच्छा, मतलब जो बाहर नहीं खेल सकते या मुमरा में ही अच्छे लेवल पे नहीं खेल पाते जी, जिनको टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं मिलता है, तो उनके लिए बेस्ट है प्लेटफॉर्म। ओके। सो अजहर, जैसे कि देखा गया था season 1 जो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, ये पटनी के ग्राउंड पर कराया गया था। इसके बाद season 2 जो हुआ था ये खड्डी गाँव में, मुमरा में खड्डी गाँव में किया गया था, और इस बार जो season 3 है वो कहाँ होने वाला है, इस बारे में हमें क्या कहना चाहोगे आप? season 3 हमारा इस बार अलग लोकेशन पर होगा, हमारा खारघर का एक ग्राउंड है जी, जो तौसीफ भाई के पहचान पे है जी, उनके थ्रू से वहाँ पे पॉसिबल हुआ है वो ग्राउंड, वो वहीं पे ये 3rd season कराएंगे। ओके। सो ये जो आप लोकेशन डिसाइड करते हो, जैसे पटनी में करवाया था, इसके बाद मुमरा में हुआ, अब फिर तीसरी बार खारघर में हो रहा है, सो जो यंग बच्चे हैं उनको एक अच्छा इंटरेस्ट जगता है कि बाहर जाकर क्रिकेट खेलने मिला है, तो ये लोकेशंस कैसे डिसाइड करते हो आप, क्या बेस पे रहता है सर ये लोकेशन? एक्चुअली डिसाइड इस पे होता है कि हम कहीं भी जब जाते हैं खेलने के लिए, तो हमारा वहाँ पे बॉन्डिंग होता है, जो वहाँ के प्लेयर्स होते हैं वहाँ से हमारा बॉन्डिंग बनता है, हमारी दोस्ती होती है, हम उनसे मैच खेलते हैं रेगुलर हर संडे, कभी बाहर जाते हैं तो उनसे हमारी अच्छी दोस्ती होती है, तो हम उनको आइडिया देते हैं कि हम यहाँ पे 4 टीम का टूर्नामेंट कराएंगे, तो उनको भी एक उम्मीद जगती है कि हम भी आगे बढ़ेंगे, तो उस तरीके से हमारा मतलब एक ग्राउंड मिल जाता है। ओके। और वहाँ से हम अपना एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जिससे हमारे सारे जो लोकल प्लेयर है, जो लोकल प्लेयर भी नहीं कह सकते, एक लोकल टीम के जो छोटे छोटे प्लेयर होते हैं उनको भी एक टूर्नामेंट की फील आ जाती है, क्या हम भी एक टूर्नामेंट खेलने बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल खेलने बाहर जाके हमको भी उनको फील आता है कि हाँ, तो उनको जो क्रिकेट का जो उनका क्रेज होता है वो खत्म नहीं होता है, वो बढ़ता है और इंटरेस्ट और वो बढ़ता है, तो ये सब चीजों से क्या है कि वो हर एक जगह से मतलब उनका जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो वो उनके साथ और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स आएंगे, बिल्कुल, तो कैसा है कि हमारी टीम कभी खत्म नहीं होगी, हमारा कभी ये एंजॉयमेंट कभी खत्म नहीं होगा, स्पोर्ट्स कभी खत्म नहीं होगा, बिल्कुल, तो हम उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके। सो जैसे कि आपने बताया कि तौसीफ जो है इनके पहचान में खारघर में जो ग्राउंड पर टूर्नामेंट कराया जा रहा है, सो हम तौसीफ आपसे जानना चाहेंगे किस डेट को ये टूर्नामेंट फाइनलाइज किया गया है, होने वाले 30 जैन को ऑर्गेनाइज करने हैं। ओके। जो कि संडे के दिन आ रहा है 30 जैन। ओके। सो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग होती है, सो किस तरीके का आप जो दो लोग हैं मेनली, आप दो ही ऑर्गेनाइज करते हो टूर्नामेंट को, सो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको बेसिकली, क्योंकि लोकल प्लेयर्स होते हैं, अरेंजमेंट वगैरह करनी होती है, सो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? अरेंजमेंट तो हर करनी पड़ती है, मतलब फील्डर को समझाना पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड नया है, वहाँ के सब जो है इंस्ट्रूमेंट वो सब नए होते हैं, लोग नए होते हैं, जगह नहीं है, तो उनको ये सब बताना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। और हम ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके के रूल्स डिसाइड किए जाते हैं, जैसे अगर आपसे बेसिक रूल पूछा जाए टूर्नामेंट का, ये चैंपियंस ट्रॉफी का बेसिक रूल क्या होगा, सो क्या बेसिक रूल होता है इस टूर्नामेंट का? रूल तो सब जो जैसे क्रिकेट में रूल्स है वही सब रूल है, ओके, सिर्फ लाइव नहीं है हमारा। ओके। अंपायर जो है वो बाहर से रहेंगे, कोई इंटरनल अंपायर नहीं रहेंगे, बाहर से जो अंपायर रहेंगे। ओके। और जो रूल है क्रिकेट के वही रूल रहेंगे। ओके। और अगर किसी प्रोफेशनल प्लेयर को खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी में नॉन प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ, सो क्या ये अलाउड होता है इस टूर्नामेंट में? नहीं नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल जो फील्डर है जो संडे खेलते हैं। ओके। okay. तो प्रोफेशनल प्लेयर बिल्कुल अलाउड नहीं है इस टूर्नामेंट। ओके। अजहर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो चैंपियंस ट्रॉफी ये तीसरा सीजन है, सो इन 2 सालों में, 2 सीजन में आपकी नज़र में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए फेवरेट है, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? मेरे नज़र में एक तो मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरा एक दोस्त, मेरी टीम का कैप्टन जो था वो ताबिश, वो अभी थोड़ा इंजर्ड है। ओके।
दुआ करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो जाए, क्योंकि वही एक प्लेयर है जो इस पर मुझे बहुत भरोसा है। वो एक अच्छा लीडिंगशिप है उसके अंदर, एक अच्छा बैट्समैन है, और बहुत सी चीज़ें मैं उससे बहुत कुछ सीखा है। ओके एक उस पर एक भरोसा है। अभी वो फिलहाल वो नहीं है, तो मैं दूसरे एक शब्बू और एक नाम लेना चाहूँगा समीर जी। ये दो प्लेयर है जो मुझे उसमें पूरा भरोसा है कि वो मुझे मैच कभी भी टर्न करा सकते हैं। ओके और हम तौसीफ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक छोटे लेवल का टूर्नामेंट है लोकल प्लेयर्स के लिए, इसे आप एक एप्लीकेशन पर भी इसके स्कोर्स वगैरह डालते हो जो कि क्रिक हीरोज है, सो ये आइडिया आपको किस तरीके से आया और आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हो इस चीज को? हम लोग नॉर्मली मैच खेलते हैं जैसे संडे संडे सीरीज पे, तो हम लोग वो भी अपडेट करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है हमने ईयरली में हमने कितना खेला है, कैसा खेला है, अपना परफॉर्मेंस कैसा दिया, तो उसमें ऐप में सब कुछ बताता है। ओके और ये सभी यंगस्टर को करना चाहिए। बिल्कुल। सो हम अब ये भी जानना चाहें कि ये जो टूर्नामेंट होता है इसमें आप स्पॉन्सरशिप किस तरीके से लेते हो, किस तरीके का प्राइज होता है और क्या क्या प्राइजेज होते हैं, इस बारे में क्या बताना चाहोगे आप? तो से प्राइज जो जितनी टीम की एंट्री होती है वो होती है, उसके बाद जो फर्स्ट प्राइज डिसाइड होता है वो विनर टीम को मिलता है, सेकेंड प्राइज भी होता है और ट्रॉफी भी होती है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर और मैन ऑफ द सीरीज। हर साल हम कुछ नया रखते हैं, इन्वेंट करते हैं। ओके और तो जो ये चारों टीमें हैं ये चारों टीमों से ही पार्टिसिपेशन लिया जाता है, कोई स्पेसिफिक ओनर नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। ओके चारों टीमें से ही। ओके सो अजहर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो इस तरीके की आपने सोच लाई है जो नए बच्चों को प्लेटफॉर्म दे, तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल है, ज़्यादा बाहर क्रिकेट खेला नहीं है उन्होंने, फर्स्ट सेकंड टाइम खेलने जा रहे हैं, तो किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिलता है उन प्लेयर्स की तरफ से? रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा मिलता है और क्रिकेट में काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पेक्ट भी मिलता है उनके थ्रू, और मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों का गेम जो है इम्प्रूव हो गया है और उन्होंने कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी खेले हैं। बिल्कुल यही टीम से आगे बढ़ के, और उन्होंने खुद कहा है कि इसमें खेल के चैंपियंस ट्रॉफी खेल के जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, जो वो टूर्नामेंट में खेल के जो वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं वो इसमें खेल के उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ओके अब मेरी टीम में ही देख लो एक अब्दुल्ला भाई है, वो भी काफ़ी अच्छा, उनकी बॉलिंग में जो थी स्मूथनेस और अच्छी हो गई है। शानवाज है जो पहले बॉलिंग नहीं कर पाते थे, अब वो काफ़ी अच्छा करने लगे ये सब टूर्नामेंट्स खेल के, और सबसे मेन चीज़ क्या है हमारे बॉलर्स के दिमाग के अंदर जो डर है जी वो पूरा निकल चुका है, वो जो टूर्नामेंट्स खेलते खेल के डरते थे कि यार इनको डालेंगे तो ये बहुत मारेंगे ये करेंगे, लेकिन अब वो सब डर हट चुका है, वो सब अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ओके और भी बहुत से हैं जैसे जीशान है, उनके भी गेम्स में काफ़ी इंप्रूव आया है और उन्होंने कहा है सब के अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल, क्योंकि यंग प्लेयर्स है सारे नॉन प्रोफेशनल है तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको परफॉर्म करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल उन्हें काफ़ी अच्छा लगता होगा। तौसीफ हम आपसे भी सबसे आखिरी सवाल जो जानना चाहेंगे, जो चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो यंगस्टर्स है या जो नॉन प्रोफेशनल प्लेयर्स है जो चारों ही टीमें पार्टिसिपेट कर रही, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी ओर से? उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपना बेस्ट दे, और उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर रखा गया है, इससे आप खेल के आगे भी जा सकते हैं इंशाल्लाह, और मैं जाना चाहूँगा आगे सभी टीम के लिए कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट। ओके सो ये थे जो चैंपियंस ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर अजहर और तौसीफ, थैंक यू सो मच हमारी टीम के साथ, टीसीएम टीम के साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का, थैंक यू सो मच सर।